सज्जना कार्य करने के बाद में समाज में बहुत सारी अफवाह चलती है, मैं देख रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किस रास्ते पर चलते हैं? आपके सामने चौराहे पर खड़े आप, तो चौराहे के क्या रास्ते हैं, किस रास्ते पर जाते हो? जो रास्ता अच्छा, जिसने जो अच्छा रास्ता चुन लिया वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। सज्जनों गोता जो होता है वो समंदर के भीतर हमेशा निकल के लगाता रहता है, लेकिन हर बार उसे खाली मिट्टी में नहीं उतर दो, कभी न कभी उसी मिट्टी में भर कर आती है। सिंधु में गोताखोर ढोलकिया कूड़ लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटता है, लेकिन मिट्टी उसकी हर बार खाली नहीं आती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सज्जनों कोशिश ही नहीं करे तो भाग्य देखो मेरे किस्मत को नहीं गए। अरे किस्मत कह करे कोशिश तो करो, कोशिश करो, हल निकालो, कोशिश करो, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन हर समस्या का समाधान निकलेगा। दुनिया में ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई सही चुनौती नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। समाधान हर समस्या का है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। किन इशारों में बोलो, अपने आप को संबल बनाए, आत्मनिर्भर बनना है, इसलिए सारे की चीजों छोड़ो और अपने अपने मार्ग पर आत्मनिर्भर होकर चलने का प्रयास करो। सज्जनों एक मारवाड़ में कहावत है, मन के गणायण जगत में मन का घनो सुगाल, मन के गणायण जगत में मन का घनो सुगाल, जा मन का में मन उपजाता मन का रोताल। सज्जनों और मिनक अपने लिए साधक है, ये सिद्ध कर चुके हैं अपने कार्य के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति। अभी मेरे पूर्व वक्ता प्रसाद जी ने अपने सफलता के एक इतिहास आपके सामने रखा, संक्षिप्त इतिहास रखा उन्होंने। सज्जनों आपके भीतर भी वो क्षमता है, योग्यता है, लेकिन वो क्षमता योग्यता को पहचानो, जब पहचान लोगे तब आपकी मंजिल आप तक आ जाएगी अपने आप चलकर। आपको मंजिल तक नहीं जाना है, मंजिल स्वतः आ जाएगी जब आपको अपनी क्षमता और योग्यता का पता लग जाएगा। ये जो सब लोग बड़े मंच पर मेरे गुरु जी भी है, कुंभा राम जी, भाकरा राम जी, शंभू राम जी, मैं जो यहाँ से विद्यालय से उत्तर कर गया उस समय ये यहाँ पढ़ा रहे थे। सज्जनों इनके लिए मैं कहना चाहूंगा और सबके लिए, आओ सच्चे साधकों से साधना मिलकर करें, आओ सच्चे साधकों से साधना मिलकर करें, मुक्त हो युव संकटों से प्रार्थना मिलकर करें, आओ कदम बढ़ाए साधना की ताल से, झेल ले हर चोट को साधना की दाल से। हर चोट आएगी जिंदगी में, बहुत सारी मुसीबत आएगी जिंदगी में, लेकिन उन मुसीबतों से घबराना मत कभी। अगर घबरा गए तो हार गए, घबरना हारने का पहली पीढ़ी है, सफलता एक आपकी पीढ़ी है, असफलता आपकी सफलता की एक पीढ़ी है, एक फायदा है। असफलता आपके लिए चुनौती है, भागो मत उससे, असफलता आपके लिए चुनौती है, क्या कमी रह गई इसको देखो और समझो और सुधारो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रकाश का नाम लिया जाता है, पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया उसने, प्रकाश ने। सज्जनों प्रकाश आपके भीतर भी वो दिव्य ज्योति है, परमात्मा ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, हर व्यक्ति को अपनी योग्यता क्षमता दी है। बस फर्क ये है कि किसी ने अपनी क्षमता और योग्यता को पहचान लिया, किसी ने पहचाना नहीं। और आपकी क्षमता और योग्यता को पहचानने का काम मैं आपको महत्वपूर्ण योगदान देंगे आपके गुरु जी। सज्जनों कबीरदास जी कहते हैं, कबीर प्याला प्रेम का अंतर लियो लगाए, राम राम में रम रहा भट पर आवे बार। कितनी बड़ी बात है, गुरुजनों के प्रति जितनी आप श्रद्धा रखोगे, जितनी आप अपनी आस्था रखोगे, आपकी हर एक सफलता में गुरु जी का योगदान होता। सज्जनों कबीरदास जी ने एक बात और कही गुरु जी के बारे में, गुरु की महिमा कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे गुरु जी के योगदान की वजह से खड़ा हूं। सज्जनों गुरु जी का योगदान कभी जिंदगी भर नहीं भूलना। सज्जनों ये भूलने लायक चीज ही नहीं है, सब कुछ भूल जाना, लेकिन माँ बाप पिता और गुरु जी आपकी जिंदगी में तीन ऐसे इंसान है। सज्जनों साथियों तीन ऐसे इंसान है, माँ बाप पिता और गुरु जी, जो हमेशा चाहते हैं, मम्मी और पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े, और गुरु जी भी चाहते हैं हमेशा कि मेरा विद्यार्थी मेरे से उच्च सफलता प्राप्त करे। सिर्फ तीन इंसान ऐसे दुनिया में जो आपकी सफलता पर आपको गर्व करेंगे, अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि यही है गुरु का आपके प्रति लगाव और आपका गुरु जी के प्रति लगाव। जितना ज्ञान लगा होगा उतनी आपकी सफलता उच्च शिखर पर जाएगी। विद्यार्थियों एक बात गलत है, आपको
ट्वेल्थ की परीक्षा, बारह परीक्षा लड़ी आवे, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। रजाई में होता होता पंखे के नीचे कूलर के नीचे होता होता कभी 80% हर परसेंटेज को बने नहीं, 90% कभी नहीं बनेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। आलस्य कुतो विद्या अविद्वेषय कुतो धनम, संस्कृत की बहुत शानदार कहावत है, आलस्य कुतो विद्या अविद्वेषय कुतो धनम। आलसी व्यक्ति के पास कभी विद्या नहीं आती, और जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं उसके पास धन नहीं है। आलस्य कुतो विद्या अविद्वेषय कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है, और अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसके पास मित्र नहीं है उसका सुख कैसा जिंदगी में। आप देखो विश्व सब पार्टी है ना, सब घूमने के लिए मन कर रहा है। अरे विद्यार्थी को 2 मिनट आप नीचे बैठो, मैं लंबा उद्बोधन नहीं करना चाहूंगा, शिक्षक है जो बोलना शुरू करता तो 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है। तो मेरा आप सभी से विनम्र अपील है कि आप पंडाल में बैठे आराम से शांति से बैठे। तो जिसके मित्र नहीं है, आज मैं बड़ा खुश हूँ मेरे पूर्व के आगे पीछे जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ बैठे होती है, मुझे मित्र के पास मित्र मंडली में बैठकर बहुत सुखानुभूति होती है। सज्जनों जिसका मित्र नहीं है उसकी जिंदगी का एक हिस्सा अधूरा है, जिंदगी का एक हिस्सा अधूरा रह गया, इसका मतलब है जिंदगी में आपने अपने जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। संस्कृत में एक और कहावत है, सज्जनों बताओ, मैं कहावत समय नहीं है इसलिए मैं कहावत का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। ताक चेष्टा बहु ज्ञान, विद्यार्थी के लक्षण के बारे में बात करिए कि विद्यार्थी के भीतर कैसे लक्षण होने चाहिए, होने चाहिए। ताक चेष्टा बहु ज्ञान स्वान इंद्रस्त अल्पहारी गृहतागी विद्यार्थी पंच लक्षण। संस्कृत अभ्युदन ध्यान रखना, कितने भी ऊंचे पद पर चले जाना, कितने भी आधुनिक हो जाना, लेकिन अपने शास्त्रों की कही बात को कभी टालना मत। कितनी बड़ी बहुत पुराने समय की बात हुई है, काक चेष्टा बहु ज्ञान स्वान इंद्रस्त अल्पहारी गृहतागी विद्यार्थी पंच लक्षणम्। काक जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा।